वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आपको दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th के सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ये वर्कशीट आपकी 16 अगस्त 2021 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दिया कि वर्कशीट की वीडियो होती है सबसे आपको पहले मिलती। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो हमारा जो नाम है 3 क्वेश्चन, मतलब कि हम 3 क्वेश्चन या चैप्टर आपके एक NCERT से दिया गया, तो हमें मतलब कि आप में NCERT से इसको कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे चैप्टर का नाम आपको बताया ही होगा, हमने पहले भी उससे कुछ वर्कशीट करी है, तो आज को समझते हैं। तो देखें मतलब कि यहाँ क्या लिखा है, चैप्टर नेम के 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आप चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन लिख देंगे। अब मतलब कि लिखा क्या जाता है, लियो तो चैप्टर कौन से, इसमें करेक्टर्स में द किंग लिख देंगे। इसमें कौन कौन से करेक्टर है, देखो क्या लिखना है, द किंग और हनी, ओके एंड हरमिट, ओके द किंग एंड आप हैंड लिख के हरमिट लिख देते हैं। अब आज के वो पढ़ते हैं, मतलब कि कंप्लीट द समरी ऑफ स्टोरी यूजिंग हिंट्स गिवन इन क्लाउड्स। मतलब कि देख क्या दिया जा रहा है, वंस देयर वॉज किंग हु बिलीव्ड, मतलब कि देख मतलब कि डैश हु डैश वी विल, मैं क्या क्या आ जाएगा फर्स्ट में क्या आएगा, जो किंग था जो बिलीव करता था वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो जान जाता है। वट वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके हम यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे यहाँ 4 है, ये आपको लिख देना, ओके 1 यहाँ के फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट आपको लिखना ये वाला, यहाँ सेकेंड से आपको ये वाला, और थर्ड कौन सा लिखना है ये वाला, और ये वाला फोर्थ पे कौन सा लिखना है आपको, ग्रेट रिपोर्ट, ओके। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए मैनी पीपल्स सम, देखिए करम एंड ऑल आंसर्स गिवन बाय द वेयर, मतलब इसको अगर से जो उसके किंग ने किंग का जो उसने क्वेश्चन के आंसर दे उसको क्या आंसर गिवन बाय इसको क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फिर देखते हैं और समझते हैं, मतलब कि हम ग्रेट रिवॉर्ड देगा, ओके यहाँ को कर देना, मतलब कि 2 पर्सनल वो कैन एंड हिज 3 क्वेश्चन, ओके एक बार हमने एक बार थोड़ा समझ लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ देखते हैं, मैनी पीपल कैम किंग, मतलब कि रंजन जानना चाहते थे मैनी पीपल ने गिव आंसर तो गे देम, मतलब कि बहुत सारे दिए गए का ऑल, मतलब कि ऑल आंसर मतलब कि सबके डिफरेंट थे, यहाँ पे क्या डिफरेंट थे, यहाँ डाको आपको थे 1 2, अगर आपको नहीं समझ आ रहा अब मैं यहाँ कर दूँ, आपका नंबर 2 या नंबर 3, ये 1 ये 2 और 3, ओके यहाँ वो भर दें नंबर डालने, ओके जो आंसर वो क्या डिफरेंट थे, यहाँ जीरो डिफरेंट थे, यहाँ 2 नंबर आएगा, ये द किंग इज वॉट नॉट ऑल 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर मतलब कि जो उसने सबने नेक्स्ट हुआ ही वन टू वीस हरमिट सेकिंग आंसर, क्या हरमिट के पास गया आंसर के लेने के लिए, द हरमिट वो डैश द ग्राउंड, क्या बोल रहे हैं दी बहुत सा डिगिंग लिख देंगे आपको, यहाँ मतलब कि खोद रहा था मतलब कि फिर द ग्राउंड वन किंग रीच देयर, ओके मतलब कि आप बोलते क्या कर रहा था, हेलमेट खोद रहा था, मतलब कि अब देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो देखिए द हारमेट ग्रेटेड द किंग ऑफ कंटिन्यू डिगिंग द, मतलब उसने उसी राजा से उससे मिला और कंटिन्यू डिगिंग करता रह गया। डिगिंग रिपीट हिज क्वेश्चन बट हारमिट डिड नॉट आंसर, मतलब कि आंसर मेरे क्वेश्चन पूछने लगा पूछना वो हारमिट पूछे उसने हारमिट कोई आंसर नहीं दिया, द किंग हेल्प एंड हारमिट इन मतलब कि हेलमेट ने डिगिंग ने, आपको यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे बैंडेड, मतलब यहाँ पे आएगा डिगिंग और दे आर सो स्ट्रॉन्ग एज ऑल देम द किंग, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा 2, ओके यहाँ पे आपको 2 या सॉरी फर्स्ट वाला आएगा, ओके जो मतलब कि क्या होता है यहाँ पे 2 नंबर आएगा, ओके ये वाला आपको 2 आंसर आएगा, यहाँ पे ये वाला डिगिंग आपको यहाँ पे आएगा, ओके और जो आगे की यहाँ पे आपको 1 आएगा, ओके और यहाँ पे आपको पता ये क्या आएगा 3, ओके आगे पैराग्राफ देखते हैं, द किंग रिस्पेक्टेड टू क्वेश्चन टू द
बिफोर लिविंग टू दिस हैंडमेड सेट, मतलब कि चलिए करते हैं सबके आंसर। देखिए हमें क्या करना है, हारमेट पर वन, यहाँ पर फर्स्ट हारमेट आ जाएगा, सेकंड डिगिंग गुड आ जाए, सेकंड पर गुड आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर डिजिट्स क्या जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे। ओके तो फिर आपको यहाँ ध्यान रखना, आपको वन लिखना है यहाँ पे और थ्री यहाँ पे आपको लिखना है। तो मतलब कि थ्री वाला क्वेश्चन है डिजिट्स आपको यहाँ पे लिखना है, जो सेकंड क्वेश्चन है डूइंग गुड तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड तुम्हारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर चेक करवाई, जो आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिए, जो बेल आपको वहाँ पर उसके साथ साथ में बेल देती है और क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, आपकी सब वीडियो की मतलब कि जो वर्कशीट की वीडियो है सबसे पहले मिलती है। और लाइक कर जरूर करें, कमेंट में आपको बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।